क्या आपका लाइफ पाथ नंबर 7 है? अगर हाँ तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, तभी आप अपनी बहुत सी यूनिक खासियतों के बारे में सही से जान पाओगे और साथ ही आपको पता चलेगा कि आप किस फील्ड में सबसे बेहतर कर सकते हो, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का यह लाइफ पाथ नंबर इंसान के बहुत से कीमती राज ओपन करता है। इसलिए इस लाइफ पाथ नंबर को निकालने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर को, जिसमें तारीख, महीना और साल के नंबरों को आपस में तब तक जोड़ना होता है जब तक आखिर में एक अकेला नंबर ना मिल जाए जो 1 से लेकर 9 तक कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबरों का आखिरी जोड़ 11, 22 या 33 आ जाता है तो फिर आपको इनको आपस में नहीं जोड़ना होता है, तब आपका लाइफ पाथ यही नंबर होगा। और अब बात करते हैं लाइफ पाथ 7 के लोगों की सबसे बड़ी खासियतों की। लाइफ पाथ 7 के लोग सबसे ज्यादा सैद्धांतिक बातों में विश्वास करने वाले होते हैं, और सिद्धांतों में विश्वास करने वाले ही नहीं बल्कि सबसे काम के सिद्धांत जिन लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं या खोजे जाते हैं वे भी ज्यादातर इसी लाइफ पाथ 7 के लोग होते हैं। ये लोग अपना नजरिया सबसे ज्यादा वाइड रखते हैं और ऐसे ऐसे नए सिद्धांत इस दुनिया को केवल अपने बलबूते खोज कर दे देते हैं, जिससे 2-4 लोगों का नहीं पूरी दुनिया का भला हो जाता है। इसलिए अगर देखा जाए तो लाइफ पाथ 7 के लोग समाज के उद्धारक सिद्ध होते हैं। इनके पास इनकी इंट्यूशन की विशेष शक्ति होती है, जिसका प्रयोग करके बहुत से लोग केवल इनकी सलाह से ही अपना फायदा कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत दूर तक अपनी इसी गॉड गिफ्टेड शक्ति के कारण बहुत कुछ जान पाते हैं, देख पाते हैं और महसूस भी कर पाते हैं, जिसको लेकर ये पैदा होते हैं या समय के साथ साथ लगभग 32 की उम्र तक इसमें ये पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए लाइफ पाथ 7 के लोगों का शुरुआती एम थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि ये सबसे पहले अपने आप को जानने का एम बनाते हैं। लेकिन किसी का एम थोड़ा लेट भी शुरू हो सकता है और किसी का एम थोड़ा जल्दी भी शुरू हो सकता है। इसलिए ये लोग जब तक अध्यात्म की या स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाते हैं और अपने आप को पूरी तरह से नहीं जान लेते हैं, तब तक इनको शांति नहीं मिलती है। लाइफ पाथ 7 के लोगों के लिए दुनिया खुली किताब की तरह हो जाती है, लेकिन यह तभी संभव हो पाता है जब ये अल्टीमेट विजडम को प्राप्त कर लेते हैं। इन लोगों को फालतू की टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ इनके पास सब कुछ आ जाता है। लाइफ पाथ 7 के लोगों का रुझान सबसे ज्यादा अध्यात्म की तरफ होता है और ये लोग सत्य की ही तलाश में होते हैं। जो भी किसी बात का सच होता है ये उसको बड़ी आसानी से खोज निकालते हैं। ये दुनिया के सबसे कीमती लोगों में से एक होते हैं, क्योंकि यही वे लोग होते हैं जो किसी भी बात का बिल्कुल ऐसा सॉल्यूशन निकाल कर लाते हैं जिसको आज तक किसी ने बताया भी ना हो। इसलिए कभी कभी कुछ लोग इनको समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इनका दिमाग बहुत ही हायर फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। ये लोग हमेशा ही अपने आप का आत्मनिरीक्षण करते रहते हैं और बहुत सी चीजें खुद पर ही प्रयोग करके सीखते रहते हैं। लाइफ पाथ 7 के लोगों के पास बहुत सी साइकिक शक्तियां पाई जाती हैं, जिसका प्रयोग ये जीवन के सत्यों को खोजने में करते हैं और समाज की भलाई के लिए भी करते हैं। लाइफ पाथ 7 के लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है और दिमाग पर पूरा कंट्रोल भी होता है, और इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा आकर्षक होती है, और इनके अंदर एक तरह की चुंबकीय ताकत काम करती है जो सभी दूसरे इंसानों को इनकी ओर आकर्षित करती है। लाइफ पाथ 7 के लोगों की सलाह इस दुनिया में सबसे बेस्ट होती है, लेकिन तभी जब कोई लाइफ पाथ 7 का इंसान अपने आप को पूरी तरह से जान लेता है कि वह आखिरकार है कौन और उसका वजूद इस दुनिया में क्यों है। और अगर किसी को पता करना हो कि लाइफ पाथ 7 के लोगों के साथ ये सब कब हो जाता है, तो इसका सीधा सा जवाब है जब इस लाइफ पाथ में जन्मे लोग अपने दिमाग के उन सारे सवालों के जवाब खोज लेते हैं जो उनके लिए जानने हर काम से पहले जरूरी थे, और जो ऐसा कर जाता है वही सबसे कीमती इंसान बन जाता है, जिसकी सलाह इस दुनिया में सबसे काम की हो सकती है और किसी की भी बड़ी से बड़ी मुसीबतों को सिर्फ बातचीत से हल कर सकती है। लाइफ पाथ 7 के लोगों की एक और बड़ी खासियत होती है कि ये किसी की भी बताई गई बातों पर यूं ही विश्वास नहीं करते हैं। ये पहले हर बात को जज करते हैं, उसके बाद ही अगर उसको सही पाते हैं तो मानते हैं, और इनका काम करने का तरीका भी बिल्कुल यूनिक होता है। और अगर कहा जाए तो लाइफ पाथ 7 के लोग सबसे बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं। लाइफ पाथ 7 के लोग हमेशा ही रिसर्च कार्यों को करना पसंद करते हैं, इसलिए किसी भी तरह के बिजनेस रिसर्च, इन्वेंशन, साइंस और रिलीजन आदि के मामले में पूरी तरह से सफल हो जाते हैं। ऐसे लोग हर चीज के पीछे छिपे कारणों को ही खोजते रहते हैं और इस कारण और इस दुनिया के हर राज से पर्दा उठा देना चाहते हैं, मतलब हर चीज के पीछे छिपे सच को जान लेना चाहते हैं। और ये लोग जिस भी चीज के पीछे लग जाते हैं उसके सारे गहरे राज जानकर ही छोड़ते हैं। अब अगर इनके कुछ निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इनमें भी कोई ज्यादा निगेटिव पॉइंट्स नहीं होते हैं, बस जैसे ही अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छी खासी तरक्की ये कर लेते हैं तो उसके बाद जो ये करना चाहते हैं बड़ी आसानी से कर जाते हैं, क्योंकि इनके जैसी समझ और ज्ञान शायद ही किसी दूसरे लाइफ पाथ नंबर के लोगों के पास होता है। इसलिए अगर इस लाइफ पाथ को दुनिया के सबसे बड़े गुरुओं का नंबर कहा जाए तो भी बिल्कुल सही होगा।
पर अगर आप करियर की बात करें तो लाइफ पाथ 7 के लोग किसी भी रिसर्च कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं, लेकिन इनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट छिपे हुए सत्यों को ही खोजना होता है। ये किसी भी फील्ड में जाएं, जहां भी जाएंगे उसके सत्यों को ही खोजने का काम करेंगे। और जहां तक देखा गया है, दुनिया के सबसे कठिन काम धर्म और जीवन के सत्यों को खोजने का अगर बीड़ा उठाते हैं तो लोगों को कुछ ऐसा देते हैं जिससे पूरी दुनिया को फायदा पहुंचता है। इसलिए इनके लिए किसी भी क्षेत्र में काम करना बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इनके जैसी समझ और ज्ञान किसी के पास नहीं होता है। जहां तक हेल्थ की बात करें तो ये लोग ज्यादातर स्वस्थ और फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे सीजनल मौसम चेंज की बीमारी होती है, ज्यादातर ऐसी छोटी मोटी बीमारी इनको भी होती रहती है। और अगर बात करें लव और रिलेशन की, तो ये भी लाइफ पाथ 6 की तरह ही सबसे प्यार व आदर पाते हैं, और इनका रिलेशन भी सभी के साथ बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो ये था लाइफ पाथ 7 के लोगों का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आकलन, जिससे पता चलता है कि लाइफ पाथ 7 के लोग बहुत ज्यादा समझदार और विद्वान किस्म के होते हैं और सभी को फायदा पहुंचाने वाले होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और हम आपसे जल्दी मिलते हैं लाइफ पाथ नंबर 8 के लोगों की खासियतों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।